हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है आईआईटी जेईई मेन 2019 का पेपर कर रहे हैं। जनवरी सेशन में जो आया हुआ था, जो 11 जनवरी के मॉर्निंग सेशन का पेपर हम लोग कर रहे हैं, जो 11 जनवरी को 9:30 AM से 12:30 AM को हुआ था। 11 जनवरी 2019, इसका जो है 1 से लेकर के 14 तक का क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्यूशन देख रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में द पाथ डिफरेंस एट ए सर्टेन पॉइंट ऑन द स्क्रीन बिटवीन टू इंटरफेयरिंग वेव इज 1/8 ऑफ वेवलेंथ। उसका जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है, 1/8 ऑफ इट्स वेवलेंथ, यानी कि 1/8 लैम्डा है। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट टू दैट ऑफ द सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंग इज क्लोज टू। तो हम लोग को इंटेंसिटी निकालना है इस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे, और उसका जो ब्राइट फ्रिंग्स है, जो मेन सेंट्रल फ्रिंग्स है, उसके बीच का जो इंटेंसिटी है उसका क्या निकालना है, हमको डिफरेंस निकालना है। हम लोग को पता है, हम लोग को जो पाथ डिफरेंस दिया गया है डेल्टा एक्स, वो किसके बराबर दिया गया, 1/8 ऑफ क्या चीज, वेवलेंथ, यानी कि लेमडा, 1/8 लेमडा के बराबर दिया गया है। और हम लोग जानते हैं फेज डिफरेंस फाइ इक्वल टू किसके बराबर होता है, 2π/λ × x, 2π/λ × Δx। तो ये जब पाथ डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा फाइ का वैल्यू, तो 2π × λ × कितना हो जाएगा हमारा, λ/8। यहां से हमारा लेमडा और लेमडा क्या चीज हो गया, कट गया, और ये भी क्या हो गया मेरा, कट गया। इक्वल टू मेरा कितना आ गया, जो फाइ है ना, डेल्टा फाइ जो है, जो एंगल है उसका, वो कितना आ गया मेरा, π/4। तो π/4 यानी कि कितना होता है, 45 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्या आगे करते हैं, उसके बाद में हम लोग इंटेंसिटी के बारे में जानते हैं। इंटेंसिटी किसके बराबर होता है, I इक्वल टू होता है I0 cos² φ/2। cos² φ/2 के बराबर होता है। तो यहां पर ही जो है I0 cos² और फाई का वैल्यू कितना है, π/4 और × 2, यानी कि π/4 × 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, I0 cos² कितना आ जाएगा, π/8। और अगर π/8 को 180 by 8 करते हैं तो हम लोग का कितना आ रहा है, I0 इसके बराबर आ गया। अब जो है हम दोनों का ये करते हैं तो I/I0, अब जो है हम इस I0 को इधर लेकर के आते हैं तो क्या चीज हो जाएगा, I/I0 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, cos² π/8 के बराबर हो जाएगा। अब हम जब π/8 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180/8 इक्वल टू किसके बराबर होगा, 22.5 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हम इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, cos² 22.5 डिग्री, जिसका वैल्यू लगभग जो है 0. कितना आता है, 85 आता है। cos 30 डिग्री का बाई 0.833 आता है, तो इसका जो है पॉइंट कितना आएगा, 85 के अप्रोक्सीमेट आएगा। तो I/I0 का जो वैल्यू आया, इसका जो ये आया वो किसके बराबर आएगा, 0.85 के इक्वल आएगा। तो इसका जो दोनों इंटेंसिटी के बीच का जो रेशियो है वो कितना आएगा, 0.85। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या चीज है, करेक्ट 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻³ टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। यहां पर ही दिया गया है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो 10⁻³ टाइम्स है फोटोन का फ्रीक्वेंसी का। जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है फोटोन का फ्रीक्वेंसी 6×10⁴ द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू। तो हमको स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहां पर इसे हम लोग सीधा सीधे डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला जानते हैं, लेमडा इक्वल टू किसके बराबर होता है, H/mv या H/p जिसको बोला जाता है। यह हमको दिया गया 10⁻³ टाइम्स ऑफ किसके, वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी। तो हम इसका लेमडा निकालते हैं तो लेमडा बराबर क्या चीज होगा, C/ क्या चीज होगा, फ्रीक्वेंसी। तो C कितना होता है, 3×10⁸ और फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, 6×10⁴, जो कि यहां पर क्या किया गया है, दिया गया है। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो यहां पर इसे लेमडा का हमारा क्या चीज आ जाएगा, या ये वैल्यू ये दिया गया है, तो हमको जो है इसका क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो यहां पर इसे जो है ना, वेलोसिटी इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा हमारा, जो एच है ये इधर आ जाएगा और ये सब क्या चीज होगा, मल्टीपल होकर के नीचे आ जाएगा, यानी कि एच इंटू
सिक्स इंटू टेन टू द पावर 14, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा अपॉन, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा m आ जाएगा, m इलेक्ट्रॉन का मास लिखते हैं कितना होता है 9.1 इंटू टेन टू द पावर माइनस 31 केजी, और उसके बाद में नेक्स्ट क्या चीज आ जाएगा हमारे पास में, ये जो 10 टू द पावर 3 है वो आ जाएगा, और उसके बाद में लाइट का वेलोसिटी आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू लाइट का वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू द पावर 8। और जब हम लोग इसको क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं तो एच का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 14 10 टू द पावर 14 इंटू इसको करते हैं तो 31 में से 3 चला जाएगा और ये 8 क्या चीज, ये 3 8 हो जाएगा फिर 8 घट जाएगा, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं 10 टू द पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर 26 आ जाएगा हमारा इसको जब करेंगे तो उसके बाद में जो है, और उसके बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा 9.1 इंटू 3 भी रहेगा, 9.1 इंटू 3 रहेगा इंटू 3 तो ये इतना आएगा, सॉरी माइनस। अब जो है हम लोग इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर इंटू 2 इंटू ये 3 से ये 3 टू जा कितना हो गया 6 हो गया, तो ये 2 आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 10 टू द पावर ये 26 में से ये 20 को हम लोग घटा देंगे तो हमारा ये 34 में से 14 चला जाएगा तो 20 बचेगा, और 20 में से 26 को घटा देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास में 6 के बराबर आ जाएगा, इतना अपॉन कितना हो जाएगा 9.1। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करके काटेंगे तो हमारे पास में जो है वेलोसिटी कितना आ जाएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर 6 यहां पर ही आ जाएगा, ये जो वैल्यू आएगा वो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1.45 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो डिब्रोगली जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी आएगा वो कितना आ जाएगा 1.45 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड है इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जो होगा ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है जो कि इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ए स्लैब इज सब्जेक्टेड टू टू फेसेस F1 एंड F2। F1 एंड F2 जो है स्लैब में दो को फोर्स लग रहा है, F2 यहां पर ही लग रहा है और F1 जो है इसके बीच में लग रहा है, ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड F, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है F है, एज शोन इन द फिगर। फोर्स F2 इज इन XY प्लेन, फोर्स F2 क्या चीज है XY प्लेन में, वाई फोर्स F1 एलोंग Z एक्सिस और फोर्स F1 क्या चीज है Z डायरेक्शन में ऊपर का तरफ लग रहा है, एलोंग Z एक्सिस एट पॉइंट 2i प्लस 3j, ये जो पॉइंट है वो कितना दिया गया है 3i प्लस 2j दिया गया है। द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O विल बी, हम लोग को मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है इस पॉइंट O के बाद, ये में हमको यहां पर इसे इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे और यहां से यहां डिस्टेंस निकाल लेंगे, और यहां पर ही जो फोर्स है वो क्या लग रहा है F2 लग रहा है, और यहां पर ही फोर्स क्या लग रहा है F1 लग रहा है, हम लोग इसका इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग F2 को लिख लेते हैं, F2 का जो कंपोनेंट है वो किस डायरेक्शन में, यहां पर इसे देखते हैं, यहां पर ही जो है एक्स का वैल्यू, ये वाला एक्स एक्सिस है तो एक्स का वैल्यू यहां पर कितना है जीरो, तो यहां भी कितना होगा जीरो, ये वाई डायरेक्शन का तरफ बढ़ रहा है और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा यहां पर इसे यहां तक देखिए 6 मीटर है, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 और एक्स का वैल्यू जीरो। तो यहां पर ही अगर जो है ना हम लोग पोजिशन देखते हैं तो ये आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का पहले वैल्यू लिख लेते हैं, आर इक्वल टू इस जगह का जो पोजिशन होगा वो कितना हो जाएगा एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा, यानी कि 0i प्लस कितना हो जाएगा 6j के बराबर हो जाएगा इधर 6। अब F2, ये F2 का जब हम वैल्यू देखते हैं तो ये कितना पे लग रहा है, ये 30 डिग्री y एक्सिस के साथ में लग रहा है, यानी कि क्या चीज हो रहा है y डायरेक्शन में क्या चीज हो रहा है F2 cos थीटा लग रहा है, और x डायरेक्शन में क्या चीज लग रहा है F2 sin थीटा। तो क्या चीज होगा F by 2 है ना, F by 2 कितना हो जाएगा F2 sin थीटा, यानी कि F into sin थीटा इस डायरेक्शन में क्या चीज लग रहा है साइन थीटा आई, यानी कि साइन थीटा आई इक्वल टू साइन 30 डिग्री, एफ साइन 30 डिग्री आई कैप डायरेक्शन में, और वो भी आई कैप क्या चीज हो रहा है ये इधर एक्स डायरेक्शन है और ये किधर जाएगा इधर जाएगा, यानी कि एक्स डायरेक्शन का ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसीलिए ये क्या चीज हो रहा है माइनस आई डायरेक्शन में क्या चीज हो रहा है ये फोर्स लग रहा है, ये किस डायरेक्शन में लग रहा है माइनस आई प्लस, उसके बाद में F into F2 कितना है F है और ये जो है cos थीटा, ये y डायरेक्शन में कितना लग रहा है cos थीटा, तो क्या चीज होगा cos 30 डिग्री, और ये तो j कैप के ही डायरेक्शन में है, ये जो है j कैप के ही डायरेक्शन में है,
तो हमको जो है अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये फोर्स कितना आ जाएगा, एफ इंटू साइन थर्टी का कितना होता है एफ वन बाई टू, तो यानी कि कितना हो जाएगा एफ बाई टू, क्या चीज हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस ये कितना हो जाएगा एफ इंटू, ये इसका वैल्यू कितना होता है रूट थ्री बाई टू जे कैप, ये जे कैप हो जाएगा, सॉरी ये जो एफ टू लग रहा है ये भी इधर लग रहा है वाई डायरेक्शन के किस डायरेक्शन में लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए ये भी वैल्यू क्या चीज होगा माइनस जे कैप के डायरेक्शन में आ जाएगा। आर का वैल्यू बता दिए, इस जगह में जो आर वन होगा, आर वन का जो वैल्यू होगा एफ वन के साथ में आर वन सॉरी एफ टू के साथ में हम आर टू ले लेते हैं, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा मेरा जीरो आई प्लस सिक्स जे। इसका अब हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे यानी कि हम टॉर्क निकालेंगे तो क्या आ जाएगा टी वन इक्वल टू क्या चीज होता है आर आर क्रॉस क्या होता है एफ। तो जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करने जाते हैं आई कैप जे कैप और के कैप होता है, उसके बाद में आर को पहले रखेंगे, आर का वैल्यू कितना है जीरो आई कैप और जे कैप के डायरेक्शन में उसका वैल्यू कितना है सिक्स है और के कैप जीरो है, और फोर्स का वैल्यू जो आई कैप के डायरेक्शन में है कितना है माइनस एफ बाई टू है, और जे कैप के जो डायरेक्शन है उसमें कितना है रूट थ्री एफ बाई टू जे कैप के डायरेक्शन में, और ये फोर्स कितना है जीरो है। तो जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आई के डायरेक्शन में भी जीरो हो जाएगा, जे के डायरेक्शन में भी जीरो हो जाएगा, और केवल क्या चीज के डायरेक्शन में निकलेगा के कैप के डायरेक्शन में निकलेगा। तो के कैप के डायरेक्शन में आएगा तो वो कितना आ जाएगा के कैप इंटू है ना ये के कैप। अब जब है ये जो है के कैप में क्या चीज होगा, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आ जाएगा, केवल ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या चीज होगा सिक्स एफ बाई टू, यानी कि कितना आ जाएगा सिक्स एफ बाई टू इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा थ्री एफ के कैप के बराबर आ जाएगा। मेरा किस डायरेक्शन में केवल आया के कैप के डायरेक्शन में, क्या चीज आया टॉर्क वन आया। अब जो है टॉर्क टू के लिए करते हैं, टॉर्क टू ये वाला जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है ये एफ वन लग रहा है, इसको हम एफ टू के लिए ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं आर टू एफ टू कर देते हैं, और तो ये क्या चीज आ जाएगा टी टू आ जाएगा, इसको हम लोग टी टू ही मान लेते हैं। अब टी वन निकालते हैं, टॉर्क वन, टॉर्क वन का जो वैल्यू है तो ये जो वैल्यू है ये बीच में लग रहा है और इसका पोजीशन फैक्टर हमको दिया गया है, कितना दिया गया है टू आई प्लस थ्री जे, हमको क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो हमको जो है केवल पहले फोर्स निकालना है, फोर्स कितना है एफ, और उसके बाद में क्या चीज आ रहा है तो टॉर्क वन इक्वल टू क्या चीज होगा एफ वन इंटू क्या चीज हो जाएगा आर वन। तो एफ वन हमको पता है कितना है टू आई प्लस थ्री जे, और सॉरी ये आर वन का वैल्यू दिया गया है, और एफ हमारा एफ का डायरेक्शन कितना है, एफ मेरा कितना किस डायरेक्शन में है इस जगह पे, यहां पर इसे जो एफ का डायरेक्शन होगा वो भी मेरा उसी ये में आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा थ्री एफ आई कैप प्लस टू एफ जे कैप डायरेक्शन में हमारा फोर्स का भी ये आ जाएगा। तो ये जब हमारा ये निकलेगा तो टोटल का टोटल कितना निकलेगा थ्री एफ आई कैप डायरेक्शन में निकलेगा प्लस टू एफ माइनस जे कैप के डायरेक्शन में ये फोर्स आएगा। अब जो है ये टॉर्क आएगा, ये टी वन आएगा। अब जो है टोटल टॉर्क किसके बराबर होगा टी टू, टी टोटल इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा टी वन प्लस टी टू, टॉर्क वन प्लस टॉर्क टू इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा थ्री एफ, पहले तो थ्री एफ ये आई कैप के डायरेक्शन में है प्लस नहीं, इसको हम लोग माइनस कर देते हैं टू एफ जे कैप के डायरेक्शन में कर देते हैं, ये प्लस ही कर देते हैं, और इसके बाद में ये माइनस जे कैप के डायरेक्शन में, और प्लस के कैप के डायरेक्शन में कितना आया था थ्री एफ के कैप के डायरेक्शन में आएगा, जो कि यहां पर ही ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया है चार में दिया है थ्री माइनस टू, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा, और के जो ऑप्शन नंबर चार में क्या है दिया, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन चार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ हाइट एच फ्रॉम द अर्थ, एक सैटेलाइट जो है सर्कुलर ऑर्बिट पे घूम रहा है जिसका हाइट एच है अर्थ का सरफेस से, सच दैट एच इज वेरी लेस देन आर, एच जो है बहुत छोटा है आर से, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, जहां पर आर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ है, एज्यूमिंग दैट द इफेक्ट ऑफ एटमोस्फेयर कैन बी नेग्लेक्टेड द मिनिमम इंक्रीज इन द स्पीड रिक्वायर्ड टू दैट सैटेलाइट कुड एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, तो उसको कितना और ज्यादा वेलोसिटी चाहिए कि वो जो सैटेलाइट है अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या चीज हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। हम लोग को पता है वी ऑर्बिटल किसके बराबर होता है रूट ओवर जी आर के बराबर होता है, और वी स्केप किसके बराबर होता है रूट ओवर टू जी आर के बराबर होता है,
तो ये दोनों के बीच का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, अब जो है ना भी स्केप, तो उसको कितना वेलोसिटी चाहिए, डेल्टा भी कितना चाहिए, ये दोनों का मतलब भी स्केप माइनस क्या चीज हो जाएगा, भी नोट भी ऑर्बिटल, तो भी स्केप कितना है रूट ओवर टू जी आर, रूट ओवर टू जी आर माइनस कितना हो जाएगा रूट ओवर जी आर इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा हमारा जी आर को, यहां पर इसे हम क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं रूट ओवर जी आर को, तो ये किसके बराबर आ जाएगा रूट ओवर टू माइनस वन के बराबर आ जाएगा। तो इतना सा हमको क्या चाहिए वेलोसिटी चाहिए, डेल्टा भी हमको इतना चाहिए, जी रूट ओवर जी आर इंटू रूट टू माइनस वन, अगर हम इतना सा वेलोसिटी दे दें तो ये जो सैटेलाइट जो राउंड कर रहा है हमारा अर्थ का चारों तरफ घूम रहा है वो क्या चीज हो जाएगा हम लोग का स्केप कर जाएगा और उस दुनिया से दूसरा दुनिया में चला जाएगा। इसीलिए जो है ये जो इसका जो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा एक्स सेंटर पर वन करेक्ट होगा, ऑप्शन वन करेक्ट होगा।